अगर आपका भी एक YouTube चैनल है और आप अपने YouTube चैनल को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, चाहे आपका कुकिंग चैनल है, चाहे ब्लॉगिंग है, चाहे एजुकेशनल चैनल है या किसी और तरह का चैनल है, या आप अभी YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों रमज़ान अल मुबारक के बबरकत महीने में आप अपने YouTube चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैटेगरी के रिलेटेड आप अपने चैनल को इस बबरकत महीने में आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है शेफ इरफान नवाज। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आप इस बबरकत महीने में, रमज़ान और मुबारक के महीने में अपने चैनल को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे आप व्लॉगिंग का चैनल है, एजुकेशनल है, आपका कुकिंग का चैनल है या किसी और तरह का चैनल है, या आप एक नया चैनल बनाने का सोच रहे हैं। जो लोग इस वक्त नया चैनल बनाने का सोच रहे हैं या उन्होंने चैनल बना दिया, दोस्तों रमज़ान और मुबारक में एक बेहतरीन तरीके उनके पास, बेहतरीन इस वक्त मौके है कि वो अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि जिनका कुकिंग का चैनल है वो कैसे ग्रोथ कर सकते हैं रमज़ान और मुबारक के महीने में अपने चैनल को लेकर। दोस्तों उन्होंने करना क्या है कि सहरी और अफ्तारी में कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करनी है कि सहरी में आप ये खाएं, ठीक है। रेसिपी के हवाले से वो जहाँ पे बताएं, फूड के बारे में बताएं, जैसा कि मान लो कि अफ्तारी आ गई, अफ्तारी में ये दही भले इस तरीके से बनाएं, चना चाट ऐसे बनाएं, अचानक से मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए। तो कुकिंग चैनल वालों के लिए बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत जहाँ पर टिप्स हैं, वो इस तरीके के इस टाइप की वो वीडियो बना सकते हैं कि जो कि जहाँ से वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। इसी तरीके जो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग वाले जो हैं अपने व्लॉग के ज़रिए ये बता सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तो अपना दस्तरखान लगे होते हैं, रमज़ान और मुबारक की ट्रांसमिशन चल रही होती है, उस हवाले से व्लॉगिंग के ज़रिए वो व्लॉग बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की वहाँ पर अफ्तारी दी जाती है, सहरी दी जाती है, यहाँ पर भी वो शेयर कर सकते हैं और व्लॉगिंग के ज़रिए लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, या मुख्तलिफ जगह पे पकौड़े समोसे बन रहे हैं, अफ्तारी बन रही है किसी दुकान पे, किसी रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जाके भी लोग कर सकते हैं, लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। इस तरीके से एजुकेशनल जिनका चैनल है वो भी इस पे काम कर सकते हैं, वो रमज़ान अल मुबारक के हवाले से फजीलतें बयान कर सकते हैं, सहरी और अफ्तारी के मतलब, तरावी के मतलब और मुख्तलिफ तरह की यानी आइडियाज़ है। जहाँ पर जो लोग नए चैनल बनाने का भी सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी चैनल अभी नया नया बनाया है, उनके लिए तो ये इतना बेहतरीन चांस है दोस्तों रमज़ान अल मुबारक का, बबरकत महीना, कि यहाँ पर वो अपना काम करके YouTube चैनल पे वो अपना चैनल इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो ग्रोथ कर सकते हैं कि इस सिर्फ एक मंथ के अंदर। दोस्तों आप सबसे पहले कि सोचें कि आपका चैनल किस कैटेगरी के, उस कैटेगरी से रिलेटेड आप अपना वीडियो शुरू करें। एजुकेशनल है, एजुकेशन को लेके चले, कुकिंग है, कुकिंग को लेके चले, व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग के ऊपर दोस्तों आप रमज़ान मुबारक का ये जो टॉपिक है ना, इसको आप लेके आ सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इसके कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब व्लॉगिंग वाले देखें वो रमज़ान मुबारक का लेके आ सकते हैं, इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना कि अक्सर दस्तरखान लगे होते हैं, अफ्तारी दे रहे होते हैं, सहरी दे रहे होते हैं, या अच्छे रेस्टोरेंट में देखें भाई, या कुछ रेडी ढाबा लगे रमज़ान के हवाले से देखें, अफ्तारी के लिए ये फूड आइटम ये लोग बना रहे हैं, मुख्तलिफ आप जो चाहें यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े आइडियाज़ यहाँ पर। लेकिन एक बात मैं बता दूँ दोस्तों कि रमज़ान का ये जो बरकत महीने है, इंशाल्लाह ये रोज़े सब लोगों ने ज़ाहिर सी बात रखने, उसी के साथ साथ अगर आप YouTube चैनल पे भी काम करेंगे, परफेक्ट काम करेंगे, मैं कहता हूँ कि आपका चैनल ज़रूर वायरल में जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ देखें ट्रेंडिंग के हिसाब से भी चलती है। सोशल मीडिया, YouTube ये जो हो गए, इन पे जब आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके जब चलेंगे ना, ठीक है, वहाँ पे भी आपके बहुत बड़े चांस होते हैं कि आपका चैनल ग्रोथ होगा। उसी के साथ साथ आप वीडियो ज़्यादा सी बात आपकी होगी, उसके बाद आपने उसका थंबनेल अच्छा बनाना है। अगर कुकिंग चैनल वाले हैं उनका थंबनेल अच्छा अट्रैक्टिव उनका थंबनेल होना चाहिए, जब उसके अंदर जाहिर सी बात है वीडियो उसकी अच्छी होनी चाहिए, एसईओ अच्छी होनी चाहिए, उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स अच्छे होने चाहिए, तो मैं 100% कहता हूँ कि उनका चैनल ज़रूर उनका वायरल में जाएगा इस रमज़ान और मुबारक के बबरकत महीने में इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहे। दोस्तों इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दें कि इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद।